डियर फ्रेंड्स, ये सैम्पल पेपर जो CBSE ने दिया है उसके क्वेश्चन नंबर 9 है और ये थर्ड वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। इफ PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल APB 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोण AB। आपके पास फिगर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस 6 है। आपने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। किसी भी सर्कल के ऊपर किसी आउटसाइड पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। यदि ये लेंथ आपके पास 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। अब हम एक दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी में किसी ट्रायंगल्स के यदि एक एंगल हमें मालूम है, टू साइड हमें इक्वल मालूम है, अब किसी भी ट्रायंगल के यदि टू साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब यदि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो एंगल को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P कह दें तो वो 180 के इक्वल है। अब P एंगल 60 डिग्री है और A और B दोनों इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A यदि हम कर दें तो ये 180 माइनस, और P की वैल्यू 60 थी तो माइनस 60 कर दें तो ये 120 हो जाएगा। अब यदि एंगल A इक्वल टू एंगल B है तो आप इसमें 120 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। मीन्स आपके पास तीनों एंगल, ऑल एंगल्स 60 डिग्री ईच हो गए। अब किसी भी ट्रायंगल में यदि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल एंगल मीन्स समद्विभाव, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं, सारी साइड इक्वल हो गई, मीन्स इसकी ऑल साइड आर इक्वल, तो दिस AB साइड या कोण ऑफ AB इज आल्सो 6 सेंटीमीटर। तो ये सारी बातों को बताते हुए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो तो आपको कहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725, फाइंड द 3 नंबर्स। अब इसको देखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी है। तो 3 एंगल्स यदि 3 साइड्स हम देखेंगे, 3 नंबर्स देखेंगे सॉरी, तो नंबर्स आपके पास 5 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ लेट कर सकते हैं कि लेट A इज 5x, B इज 5x प्लस 5 कह दें, जिसको आप 5 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 लिख सकते हो। नेक्स्ट C कोई नंबर ले रहे हैं तो 5x प्लस 10 हो जाएगा, जिसको आप कॉमन लेंगे 5 तो ये x प्लस 2 लिख सकते हो। कंडीशन है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 725। यदि आप फर्स्ट नंबर ए 5A का स्क्वायर करेंगे, फिर 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू 725 करेंगे। यहाँ आपके पास 5 कॉमन है सभी में, यदि 5 कॉमन लेते हैं तो और उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 कॉमन लेके तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 आपके पास हर टर्म्स में आएगा, यदि इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 25x स्क्वायर होगा, यहाँ से 25x स्क्वायर होगा प्लस 25 होगा प्लस 25 टू जा
50x x होगा, नेक्स्ट को ओपन करेंगे तो आएगा 25x स्क्वायर होगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 करेंगे आप, और फिर लास्ट में 10 इंटू 5 50 इंटू 2 यहाँ हो जाएगा 100x, और राइट साइड में 725 है। इसमें यदि आप 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो 2x आएगा, देन 25 यहाँ भी कॉमन लिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर होगा, फिर 100 में से आपने 25 कॉमन लिया तो 4 आएगा, देन आफ्टर 100x में से 25 लेंगे तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू 725। अब आप यदि इस 25 से 725 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 29। अब 29 में आप आगे करोगे तो इसको आगे देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आया 3x स्क्वायर, उसके बाद x की टर्म्स आ रही, ये 2x है, ये 4x है, तो ये आएगा 6x, उसके बाद ये आपके 1 प्लस 4 5 आया, माइनस, अब ये 29 जो होगा इसको आप माइनस करेंगे तो 29 इक्वल टू 0, ये आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 24 होगा, 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप 3 से इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, क्वाड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके आगे यदि आप करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या फॉर्मूले से करेंगे, तो या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, देन एक्स यदि हम कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, आपके पास 2 ब्रैकेट्स होंगे एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 2। यदि आप इनको दोनों को इक्वेट करेंगे एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यदि आप एक्स प्लस 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 4 आएगा और यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 आएगा। तो निगेटिव नंबर तो कोई मल्टीपल ऑफ 5 हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास जो मल्टीपल और पॉजिटिव नंबर एक्स इक्वल टू 2 होगा। तो आप देखेंगे कि हमें 3 नंबर ए बी सी फाइंड करने थे, जो हमारे पास सबसे पहले था कि ए बी सी क्या होगा। तो ए हमने कंसिडर किया था 5x, यदि 5x ए करा तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू देखेंगे तो 5 इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आएगा। यदि हम दूसरे नंबर को देखेंगे बी, तो वो 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और थर्ड नंबर सी अभी देखेंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो आपके पास तीनों नंबर हुए 10 15 एंड 20, यदि इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे तो आपके पास आएगा 725।